आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों पर। फिलहाल इतना ही, आगे की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम चुने जाने के बाद शहरवासियों और मोहन यादव को जानने वालों में खुशी की लहर है। सीएम पद पर मोहन यादव के नाम की घोषणा हो जाने के दूसरे दिन भी उज्जैन में जश्न का माहौल रहा। इस मौके पर शहरवासी एक दूसरे को बधाई देते रहे। मोहन यादव के सीएम चुने जाने पर उज्जैन के सिख समाज में भी खुशी छाई रही। लोग एक दूसरे को बधाई देते रहे। इस मौके पर शहरवासियों का कहना है कि यह उज्जैन के लिए गर्व की बात है। 50 साल से भी अधिक समय बाद उज्जैन से सीएम बनाया जाना खुशी का पल है। उज्जैन विजन का शहर है और सीएम मोहन यादव के विजन को लोग जानते हैं। यह राज्य के लिए भी खुशी की बात है। उज्जैन नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं उनको पिछले 30 साल से जानता हूँ, जब वो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, उसके बाद साइंस कॉलेज के अंदर चुनाव लड़े और जीते, फिर प्राधिकरण के अध्यक्ष बने, मध्य प्रदेश स्टूडेंट डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बने, एमएलए बने, मंत्री बने और आज महाकाल बाबा की कृपा से या अन्य जितने भी उज्जैन के धर्मगुरु हैं उन सब के आशीर्वाद से आज वो देश के मुख्यमंत्री हैं। उज्जैन के लिए बहुत गौरव का विषय है। बहुत साल पहले जब हम बहुत छोटे थे तब सुना करते थे कि प्रकाश चंद जी सेठी जी मुख्यमंत्री बने थे और उसके उपरांत उज्जैन का गौरव यह अब मिला है। निश्चित रूप से मोहन यादव जी के विज़न के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, पूरा शहर जानता है कि उनके विज़न की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये उज्जैन के 5 लाख लोगों का सौभाग्य है कि मोहन यादव जी को ये मौका मिला है। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि उज्जैन एक विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मध्य प्रदेश के अंदर लोग उज्जैन केवल इसलिए देखने आया करेंगे कि ये मोहन यादव के विज़न का शहर है, महाकाल बाबा का शहर है, इसलिए लोग यहाँ पर स्पेशली आया करेंगे। मोहन यादव जी को जो ईश्वर ने मौका दिया है, हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि वो आने वाली लोकसभा की 29 सीटें जीतकर एक मिसाल कायम करेंगे और पूरे देश के अंदर उनका नाम बहुत गौरवान्वित हो, ऐसे हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। भगवान, उनको अगर तुमने मौका दिया है तो उसको उनको इतनी ऊंचाइयां भी छुआना कि उज्जैन का गौरव बनकर, प्रदेश का गौरव बनकर उनका नाम चमकता रहे। उनका ब्रतभाषीपन, उनकी मिलनसारिता, उनका याराना निभाने का तरीका, इस बार तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उनको टिकट ही नहीं मिलेगा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो चुनाव हार रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। शुरू दिन जब परिणाम आने लगे, हम सभी के लोगों को जानकारी थी कि शुरू के मुस्लिम वार्ड है, वहाँ से उनको थोड़ी सी तकलीफ आना है, लेकिन उसको उत्तरोत्तर वो प्रगति की ओर बढ़ते रहे, जीत की ओर बढ़ते रहे। उनका लोगों से मिलनसारी, ब्रतभाषी, वायदे को निभाना, यही उनकी विशेषता है। और सबसे मधुरता के साथ बात करना, एक छोटे से छोटे बालक से या एक गरीब से गरीब परिवार के साथ उनकी जो किचन एंट्री है, उनका जो पारिवारिक संबंध उन्होंने मेंटेन कर लिए हैं, उसी का ही नतीजा रहा कि इस बार लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये चुनाव हार जाएंगे, लेकिन वो उतने ही मत से जीते जितनी बार वो पिछले जीते थे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि महाकाल बाबा की कृपा है। मैं ये बातें गर्भ में छिपी हुई हैं, लेकिन मैं बहुत ही विश्वास के साथ महाकाल बाबा को साक्षी रखकर कहता हूँ कि आप उज्जैन की कल्पना विदेशों से किया करेंगे, मेरा यही विश्वास है। सुरेंद्र सिंह अरोरा, जत्थेदार उज्जैन सिख समाज। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों पर। फिलहाल इतना ही, आगे की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।